महाराष्ट्र के अमरावती जिले की तहसील धारणी के रहवासियों ने शुक्रवार शाम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर नारेबाजी कर मांग उठाई कि धारणी को मध्य प्रदेश में शामिल किया जाए। इसे लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पर नारेबाजी की। रहवासियों का कहना है कि यहां किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, सारा व्यापार भी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा और बैतूल जिले से जुड़ा हुआ है। रोड की स्थिति खराब है, आवागमन के साधन बेहतर नहीं है, रहवासियों को उद्योग आदि की सुविधाएं नहीं है। धारणी में 154 गांव हैं, यह करीब 150 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके करीब 70 गांव मध्य प्रदेश से लगे हैं। धारणी से अमरावती की दूरी करीब 190 किलोमीटर है, यह अति दुर्गम क्षेत्र है। धारणी से अमरावती तक जाने के लिए 70 किलोमीटर का रास्ता कहलाने के लायक नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से अगर बीमार मरीज को अमरावती भेजा जाता है तो कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ऐसे में लोग यहाँ से मरीज को बैतूल, खंडवा या बुरहानपुर ले जाना पसंद करते हैं। धारणी से इन जिलों की दूरी करीब 40 से 50 किलोमीटर है। अति दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, सरकारी योजनाएं भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। यही कारण है कि पिछले करीब 30 साल से यह क्षेत्र कुपोषण से मुक्त भी नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि यहाँ सड़क नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ का पूरा बाजार मध्य प्रदेश पर निर्भर है, लोग व्यक्तिगत लाभ से वंचित है। धारणी में भाषा भी एक समस्या बनी हुई है, यहाँ के लोग हिंदी से बात करते हैं जबकि अफसर मराठी में। ऐसे में आपस में समन्वय भी नहीं बन पाता। रहवासियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर मांग की है कि धारणी को मध्य प्रदेश में शामिल किया जाए। अमरावती जिले के जिला परिषद सदस्य श्रीपाल राम प्रसाद पाल ने कहा कि 63 ग्राम पंचायतों के लोग इस मांग को लेकर एकजुट हैं। ज्ञापन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी भेजा गया है। 100 गाँव में अब तक पक्की सड़कें नहीं बनी है, करीब 24 गाँव में बिजली नहीं है, कुपोषण खत्म नहीं हुआ है, जबकि 30 साल से यहाँ करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को मराठी नहीं आती है जबकि अधिकारियों को हिंदी नहीं आती है। ऐसे में भाषा की समस्या भी आ रही है। क्षेत्र वन विभाग में आता है लेकिन वन विभाग की कोई सुविधाएं भी इनको नहीं मिलती हैं। धारणी तालुके को मध्य प्रदेश में शामिल कर धारणी को जिला बनाया जाए। 100 गांव में अभी तक पक्की सड़कें नहीं है, 24 गांव में अभी तक की बिजली नहीं है, कुपोषण खत्म हुआ नहीं है, 30 साल के प्रयत्न के बाद में भी करोड़ों रुपए वहां पर खर्च हो चुके हैं। व्यापार के लिए मध्य प्रदेश पर निर्भर है, किसान व्यापारी अपना पूरा अनाज लेन देन मध्य प्रदेश से करते हैं, यहाँ का बाजार हाट पूरा खंडवा बुरहानपुर निर्भर है। धारणी तालुके के लोग अमरावती होने के कारण सभी परेशान हैं और यहाँ के जो अधिकारी वर्ग है मराठी बोलते हैं, लोग हिंदी बोलते हैं, समतोल नहीं है क्योंकि यहाँ के लोगों को मराठी आती नहीं है और उन लोगों को हिंदी आती नहीं है। हमारा पूरा का पूरा वन विभाग से सभी मेलघाटवासी त्रस्त है क्योंकि हम लोग वन विभाग में तो है नहीं लेकिन कहलाते वन में, हमारा धारणी तालुका वन से बाहर है और जो भाग है भी तो वो थोड़ा बहुत है, इसलिए हमको वन विभाग का कोई फायदा नहीं मिलता है।